नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे जिससे आप अपने मोबाइल के अंदर तरह तरह की सेटिंग लगा सकते हो और अपना मोबाइल एक अलग ही अल्टीमेट तरीके से यूज कर सकते हो। और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आपको अपना मोबाइल चलाने का एक अलग ही एक्सपीरियंस प्राप्त होगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस वीडियो में क्या है इस एप्लीकेशन की ऐसी सेटिंग्स और क्या है इस वीडियो के अंदर। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने प्ले स्टोर में जाना है और एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेने जिसका नाम है शॉर्ट कटर क्यूक सेटिंग एंड साइड बार। इसका एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दे रखा है, वहां से भी डायरेक्ट डाउनलोड आप इसको कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद आप इसको ओपन करेंगे और जब आप इसको पहली बार ओपन करते हो तो यहां पर लिखा हुआ आता है वेलकम टू शॉर्ट कटर क्यूक सेटिंग। आप इसको नीचे की साइड से नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद यहां पर हाउ इट वर्क, ये कैसे काम करती है एप्लीकेशन, उसके बारे में समझा जाएगा आपको, लेकिन वो तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। उसके बाद आप यहां से नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट करेंगे नीचे से, और इसके बाद फिर नेक्स्ट करेंगे और फाइनल में इस तरह से एप्लीकेशन का इंटरफेस देखने को मिलेगा आपको, जैसा कि अभी आप यहां पर देख रहे हो। तो दोस्तों वैसे तो इस एप्लीकेशन के अंदर बहुत ज़्यादा शॉर्टकट सेटिंग है, लेकिन मैं आपको कुछ नॉर्मल सेटिंग के बारे में बताऊंगा, बाकी आप खुद ट्राई करना इस एप्लीकेशन को यूज करके। ओके, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ऊपर की साइड बार लिखा रहता है, साइड बार पर क्लिक करेंगे और इसको यहां से ऑन कर लेंगे। इसको ऑन करने के बाद आपको साइड बार की सेटिंग करनी है। सबसे पहले यहाँ पर लिखा रहता है सिस्टम सेटिंग टाइल्स, आपको यहाँ से ये सारी सेटिंग ऑन कर देनी है जो कि आपके मोबाइल के अंदर सेटिंग रहती है लेकिन आप उसको जानते नहीं, तो वो ये एप्लीकेशन ट्रैश करेगी और यहाँ पर उन सभी सेटिंग को ले आएगी और आपको ये सारी सेटिंग ऑन कर लेनी है आपके मोबाइल की। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपको इधर इसमें सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से आप तरह तरह की सेटिंग अपने मोबाइल में कर सकते हो। ये कुछ एडवांस सेटिंग है, जब आप इनको यूज़ करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा। उसके बाद आपको इधर पुल डाउन की सेटिंग मिलेगी, ये भी एडवांस सेटिंग है, जब आप इनको भी यूज़ करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो ये आपको बस नॉर्मल क्या करना है, यहाँ से साइड बार को ओपन कर लेना है और सारी सिस्टम सेटिंग को ऑन कर देना है। इसके बाद आप इस एप्लीकेशन को बंद कर देंगे। अब दोस्तों क्या होगा, आपके मोबाइल में ऊपर के साइड आप देख सकते हो एक साइड बार आएगा, जब आप इसको साइड से स्वीप करते हो तो इस तरह से ओपन होगा ये, और यहाँ से इसमें आपको चार कस्टम सेटिंग के और ऑप्शन आपको अलग से दिए जाएंगे। सबसे पहले यदि मैं कस्टम वन की बात करूँ तो जैसे मैं इस पर टच करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं अब कोई भी एप्लीकेशन को शॉर्टकट लगा सकता हूँ, या फिर कोई एक्टिविटी हो उसका शॉर्टकट लगा सकता हूँ, और जो मेरे मोबाइल के अंदर शॉर्टकट सेटिंग है उनका शॉर्टकट ले सकता हूँ, और किसी भी वेब लिंक को मैं शॉर्टकट तरीके से ओपन कर सकता हूँ। तो सपोज़ कीजिए मुझे जो है शॉर्टकट लेना है, यहाँ से मैं जो है शॉर्टकट ले लेता हूँ यहाँ से दोस्तों अपने ड्राइविंग मोड का। जब भी मैं जो है गाड़ी चलाता हूँ तो मुझे जो है इधर उधर घूमना ना पड़े अपने मोबाइल के अंदर, और डायरेक्ट ही मैं बस यहाँ से स्वाइप करूँ और यहाँ पर जो है ड्राइविंग का ऑप्शन मुझे मिल जाए। तो जैसे ही मैं ड्राइविंग पर टच करूँगा मेरा गूगल मैप ओपन हो जाएगा और यहाँ से वो डायरेक्ट मुझे वहाँ पर लेकर जाएगा जहाँ पर मैं अभी गाड़ी अपनी चला रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये पहली सेटिंग है मैं आपको बता रहा हूँ। इस तरह से आप कस्टम टू सेलेक्ट कर सकते हो, आपको क्या करना है कोई भी एप्लीकेशन डाल सकते हो, कस्टम थ्री, कस्टम फोर, इस तरह से आप इसमें कुछ भी डाल सकते हो अपने मोबाइल के अंदर। इसके बाद आप इसमें नो अलार्म की सेटिंग मिलेगी, यहाँ से आप डायरेक्ट चेक कर पाओगे कि आपके मोबाइल की कितनी रैम फ्री है, कितनी जो है कंज्यूम हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पर आप चेक कर पाओगे राउंड कॉर्नर, अभी आप देख रहे हो जो मेरा मोबाइल है वो राउंड कॉर्नर में नहीं है। यदि मैं यहाँ पर टच करता हूँ तो अब आप देख सकते हो जो मेरा मोबाइल है वो उसके जो है राउंड कॉर्नर हो चुके हैं, आप देख सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो राउंड कॉर्नर कर सकते हो अपने मोबाइल का। इसके बाद स्क्रीन फिल्टर भी यहाँ से आप यूज़ कर सकते हो, यदि आप जो है नाइट में बहुत ज़्यादा अपना मोबाइल यूज़ करते हो तो आप स्क्रीन फिल्टर यहाँ से डायरेक्ट इसमें लगा सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसके बाद स्क्रीन वेक का इसमें ऑप्शन दे रखा है, और यहाँ पर आपको नीचे के साइड तरह तरह के ऑप्शन मिल जाएंगे। नाइट लाइट का ऑप्शन मिलेगा, नाइट लाइट में जैसे कि आपको रात के टाइम आप जब सोते हो और आपको जो है नाइट मोड में चाहिए अपना मोबाइल, तो यहाँ से इस तरह से आप नाइट मोड में टाइम देख सकते हो अपने मोबाइल के अंदर। इसके बाद फिर दोस्तों और भी इसमें काफ़ी तरह के आपको सेटिंग मिलेगी, आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, ब्राइटनेस कितनी रखनी है, और फॉन्ट, डिफ़ॉल्ट फॉन्ट अपने मोबाइल के फॉन्ट चेंज कर पाओगे आप यहाँ से डायरेक्ट। ठीक है, और जो है NFC की सेटिंग भी आपको इसमें दी जा रही है। ठीक है, और इसमें VPN की सेटिंग भी दे रखी है यदि आपके मोबाइल में होगी तो, और यहाँ से तरह तरह की सेटिंग फिर आप इस एप्लीकेशन से डायरेक्ट शॉर्टकट लगा सकते हो, वो इस कमांड की सेटिंग भी आपको डायरेक्ट दी जाएगी। इसका जो दोस्तों बहुत ही नॉर्मल है, जैसे कि आप अपने ब्राउज़र में कुछ ओपन कर रहे हो मोबाइल के अंदर कुछ भी, तो ये साइड बार कहीं नहीं जाएगा, ये यहीं पर रहेगा और यहीं से डायरेक्ट आप कोई भी सेटिंग डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हो, डायरेक्ट कोई भी एप्लीकेशन जो है ओपन कर सकते हो जो आपने कस्टम सेटिंग में यहाँ पर लगा रखी होगी। ठीक है, तो काफ़ी यूजफुल एप्लीकेशन है, बाकी जब आप इसको यूज करोगे तो वही आपको इसका पूरा एक्सपीरियंस दोस्तों होगा। ओके, यहाँ पे इसमें एक और सेटिंग है इन ईयर ऑडियो और प्ले म्यूजिक की, जब आप इस सेटिंग को यूज़ करोगे तो भी आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा।
तो बाकी यही था दोस्तों इस वीडियो में, ऐसा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी जब आप इस एप्लीकेशन को ट्राई करोगे, जब भी सारा कुछ समझ पाओगे बाकी तो ऐसा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो अपनी वीडियो को लाइक करना। सो नमस्कार दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।